दिल्ली यूपी समेत कई जगहों पर करीब 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करने का खुलासा हुआ, जिसके बाद योगी सरकार अब सख्त हो गई है। सीएम ने सख्त एक्शन लेते हुए जांच एजेंसी को मामले में पूरी तह तक जाने के निर्देश दिए। आपको बता दें, सीएम योगी ने जांच एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा, जो लोग जबरन धर्मांतरण के मामले में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। जबरन धर्म बदलवाने वाले लोगों पर एनएसए लगाने का भी निर्देश दिया गया है और यूपी सरकार अब जबरन धर्मांतरण कराने वाले लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करेगी। आपको बता दें, सोमवार को लखनऊ पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया जो अवैध तरीके से लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर करते हैं। इस मामले में दो लोग गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार किए गए उमर गौतम और जहांगीर काजमी दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले हैं। जांच में पता चला कि ये लोगों का जबरन धर्मांतरण कराते हैं। पकड़ा गया उमर गौतम खुद भी धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुस्लिम बन गया था, अब वो धर्मांतरण अभियान चला रहा है। उमर अपने साथी जहांगीर के साथ मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा चुका है। ये लोग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसए से पैसे लेकर लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। उन्होंने ये बात खुद स्वीकारी है। उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल सितारगंज टीवी में आपको लोकल की खबरें, स्पेशल बुलेटिन, मनोरंजन के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। तो सितारगंज टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो करें ताकि आप हर अपडेट से वाकिफ रहें।